करनाल के निसिंग में नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल का ग्रामवासियों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। विधायक धर्मपाल द्वारा निसिंग की गौशाला में किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचना था, परंतु किसानों द्वारा पहले ही गौशाला के सामने पहुंचकर नारेबाजी की गई और धर्मपाल गोंदर को काले झंडे दिखाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते विधायक धर्मपाल को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। किसान नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय सभी आजाद विधायकों के निवास पर भारतीय किसान यूनियन के लोग पहुंचे थे, पर उनसे अनुरोध किया गया था कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर किसानों के हितों की रक्षा करते हुए सरकार के खिलाफ वोट करें, परंतु धर्मपाल ने सरकार को वोट देकर ये साबित कर दिया कि वह दोगली राजनीति करते हैं। किसानों के बीच आकर कहते हैं कि वह किसानों के हितैषी हैं और विधानसभा के अंदर पहुंचकर वह भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं, इसलिए किसानों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि सभी विधायक जिन्होंने किसानों के पक्ष में वोट नहीं डाले उनका जोरदार विरोध किया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते बड़ी संख्या में किसान टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर व गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कानूनों के विरोध में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिनको लगभग 3 महीने के करीब हो चुके हैं, परंतु सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, जिसके चलते हरियाणा विधानसभा में कृषि कानूनों को रद्द करने के उद्देश्य से एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें आजाद विधायक में से सिर्फ 2 ने किसानों के पक्ष में वोट की, परंतु अन्य आजाद विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटिंग की गई, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक व आजाद विधायक कार्यक्रम में जाते हैं उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाता है। उसी कड़ी में आज करनाल के निसिंग में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते विधायक धर्मपाल गोंदर को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस तरह ये आजाद विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक गांव में जाकर कार्यक्रम करते हैं। आंदोलन चल रहा है, जो ये विधायक हैं उसी दिन से दोगली राजनीति कर रहे हैं। ये कभी तो अपनी वीडियो डालकर बोलते हैं हम किसानों के साथ हैं, लेकिन सपोर्ट ये बीजेपी की करते हैं। अगर पहले दिन से विधायक और एमपी किसानों के साथ होते आज इस आंदोलन का हल हो गया होता। जो हमारे 400 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं, 4 महीने से किसान अपनी खेती छोड़ के अपने बच्चे छोड़कर वहाँ बैठे हैं, हमें बैठना ना पड़ता। और 9 तारीख को इनको लास्ट मौका देने के लिए आप सभी मीडिया ने कवरेज भी किया था, हम इनके आवास स्थान पर भी पहुँचे थे और इनको किसानों ने बोला था आज लास्ट मौका है, या तो किसानों के हक में आ जाओ, जे किसानों के हक में नहीं आओगे तो पूर्ण तौर से आपका राजनीतिक सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। और जब हम धर्मपाल जी की कोठी पर गए, इनकी धर्मपत्नी जी हमसे मिले, उनसे हमने विज्ञापन सौंपा, उनसे भी हमने यही बोला कि आपको हमने आजाद जता रखा है, कोई बीजेपी की टिकट से आप एमएलए नहीं बने, ये नीलोखेड़ी की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है, अगर हम अब भेज सकते हैं आगे भी आपको विधानसभा में भेजेंगे किसानों के हक में वोट करना। विधायकों का आप जो है इस समय बायकॉट कर रहे हैं? जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है सभी का हम पूर्ण तौर से बायकॉट करते हैं, पूर्ण तौर से। और जो 2 विधायक आजाद थे जिन्होंने किसानों का समर्थन किया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आने वाले टाइम में उनको फिर भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और जो ये आज इन्होंने प्रोग्राम रखा है विधायक ने, ये ऐसे प्रोग्राम हम होने नहीं देंगे। इनको पहले भी चेतावनी दी थी, जिस ही पैर से आएंगे उसी गाड़ी से इनको वापस, क्योंकि धर्मपाल गोंदर ने नलका नीलोखेड़ी के जनता के साथ विश्वासघात किया है। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए और इन्होंने वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे, और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ हैं या विरोध में हैं। और दोगली राजनीति हम इनकी नहीं चलने देंगे। गौशाला में सुबह गए थे, स्वामी जी के पास गए थे, वहाँ पर किसान यूनियन की तरफ से लंगर के लिए राशन भी दे के आए हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद भी लेके आए हैं, और स्वामी जी ने भी बिल्कुल साफ कह दिया था कि धर्मपाल गोंदर यहाँ उसको हम नहीं आने देंगे। तो हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आगे जैसे स्वामी जी को हमारी ज़रूरत होगी, जो भी हमें आदेश देंगे गऊओं की सेवा के लिए, भंडारे की सेवा के लिए, हम स्वामी जी के आदेशों का पालन करेंगे और उनकी देखरेख में जो भी आदेश होंगे। तो बिल्कुल ज्ञानानंद जी महाराज जी आते हैं, ये जो भी है सारा ज्ञानानंद जी महाराज का ही प्रोग्राम है। लेकिन सभी होर्डिंग्स में इन्विटेशन में जो है फोटो तो उनकी थी चीफ गेस्ट के तौर पर, सभी विरोध कर रहे हैं किसान। ऐसा है, ये जैसा गौशाला का प्रोग्राम है ये किसी का अपना प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ गौशाला का ही प्रोग्राम है, ये सिर्फ हम तुड़ी के लिए और इसके लिए वार्षिक उत्सव बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। तो स्थानीय विधायक आ रहे हैं अब या नहीं आ रहे? विधायक जी आए नहीं है, बाहर है, कोई नहीं आएगा।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।